नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ स्टोन इज ट्राइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग फिफ्टी सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजोंटल सर्कल विद कॉन्स्टेंट स्पीड इफ द स्टोन टेक्स मेक्स टेन रेवोल्यूशन इन ट्वेंटी सेकेंड्स देन वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन ऑफ द स्टोन ना आसान सवाल है यह आपका हॉरिजोंटल सर्कल uh, एक स्टोन ऐसे कर रहा है और यह आपका सेंटर पॉइंट है हमें बताना है एक्सलेशन क्या होगा हालांकि ए सी की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे आपका कांस्टेंट स्पीड है तो ए टी की वैल्यू जीरो होएगी सो ए टी आपका टेंजेंशियल एक्सेलेशन जीरो है ओनली एक्सेलेशन जो यहाँ पे होएगा वो आपका ए सी होएगा सो so, नाउ यहाँ पे अगर आपका थीटा एक सर्कल मूव करता है तो थीटा को हम लिखते हैं टू पाई इसने यहाँ पे टेन रेवोल्यूशन किए तो हम इसको टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका तो टोटल थीटा ही हो गया ओमेगा जो है उसे हम लिखेंगे थीटा डिवाइड बाय टाइम टेकन यानी कि हो गया टू ट्वेंटी पाई आ, टू इंटू टू पाए इंटू टेन ट्वेंटी पाई डिवाइड बाय टाइम टेकन अपने को दे रखा है ट्वेंटी सेकेंड सो आपका ये आ गया पाई आ, रेडियन पर सेकेंड ये आपकी ओमेगा की वैल्यू हो गई हमें बताना एक्सलेशन क्या होगा सो ए सी जो है उसे हम लिखते हैं आर ओमेगा स्क्वायर सो so, अच्छा यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं अपने चारों ऑप्शन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है तो मैं 50 सेकंड 50 सेंटीमीटर जो रेडियस दे रखा है उसको मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी सो दिस विल बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय पाई स्क्वायर ना अगर हम पाई को एक्सपेंड करते हैं पाई या थ्री उसका स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाय नाइन सो इसको जब हम फिफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया आपका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में तो आपका ए सी फाइनल आंसर हो जाएगा 50 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर बनता है आपका 493 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑलिट सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर वन वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया